विधानसभा का सत्रावसान भी हुआ है और हम सब आने वाले दिनों में चुनाव में जाने वाले हैं। कल भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक बहुत बड़ा प्रदर्शन जयपुर में आयोजित हुआ, आप सब ने देखा, आप सब ने उसको कवरेज भी दिया। किस तरह से 4.5 साल से ये सरकार चल रही है, जो भी वादे कांग्रेस की सरकार ने किए वो एक भी वादे पूरे नहीं किए। जब प्रदर्शन होता है तो गहलोत पुलिस को आगे कर देते हैं। गहलोत के मंत्री कहते हैं कि प्रदर्शन फीका रहा। प्रताप सिंह खाचरियावास ये वक्तव्य देते हैं। मैं प्रताप सिंह खाचरियावास जी से ये पूछना चाहती हूँ, इतनी भारी भरकम पुलिस लगाने की क्या जरूरत थी फिर आपको? और आप एक तरफ कह रहे हैं कि पूरा शहर बीजेपी के लोगों ने जाम कर दिया है, तो यदि बीजेपी के लोग आए हैं तभी तो जाम हुआ है, और बीजेपी के लोग स्वेच्छा से आए हैं, इस सरकार को चुनौती देने आए हैं कि अब ये सरकार और ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। कल देखिए किस तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, एक बार नहीं, उस वाटर कैनन को दोबारा भरा गया और दोबारा वो इस्तेमाल की गई। हमारे जितने प्रदेश नेतृत्व के बड़े लीडर थे, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हों, चाहे हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी हो, राजेंद्र राठौड़ हो, राज्यवर्धन सिंह जी हो, या जितेंद्र जी गोठवाल हो, जितेंद्र जी गोठवाल जी की तो स्पेशली सिटी स्कैन कराया गया क्योंकि उनके सिर पर बुरी तरह से पुलिस ने लाठीचार्ज किया। हम कांग्रेस की सरकार को ये पूछना चाहते हैं कि नियमित रूप से रोज इतने अपराध होते हैं प्रदेश में, लूट, हत्या, बलात्कार, असंख्य अपराध, उन लोगों को पकड़ने में पुलिस क्यों नाकाम रहती है? राजेंद्र गुड़ा पिछले एक सप्ताह से ज़्यादा दिन हो गए उनको, वो लाल डायरी का जिक्र करते हैं। आज उन्होंने लाल डायरी के 3 पेज रिलीज किए हैं और बताया है कि किस तरह से भ्रष्टाचार के रूप में वैभव गहलोत को आरसीए का अध्यक्ष बनाया गया, कैसे पैसों का लेन देन हुआ। और उन्होंने ये बात कही है कि वो लगातार एक के बाद एक सीरीज चलाएंगे, इसलिए उस लाल डायरी को सदन के पटल पर नहीं रखा गया और ना रखने दिया गया, उसको छीना गया। लेकिन गनीमत है कि उनके पास कुछ और पन्ने थे जो उन्होंने रिलीज किए। तो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी ये सरकार, पूरी तरह से अकर्मण्य सरकार, जिसने तुष्टीकरण की सीमाओं को ना केवल लांघा है बल्कि बहुत बुरी तरह से स्थापित करने की कोशिश की है। बहुसंख्यक धर्मावलंबियों को किस तरह से उनकी धार्मिक भावनाओं पर चोट पहुंचाई जाए उसके कृत्य किए हैं। इतना निकम्मापन करने के बावजूद भी अशोक गहलोत जी अपराध में दूसरे प्रदेशों को गिनाते हैं, अपने प्रदेश में क्या हो रहा है ये उनको दिखता नहीं है। उनके मंत्री सदन में खड़े होकर के दुराचारियों के पक्ष में दिखाई देते हैं और कहते हैं कि मर्दों का प्रदेश है, इसलिए बलात्कार में पहले नंबर पर तो रहेगा ही रहेगा प्रदेश। शर्म से डूब जाना चाहिए ऐसे मंत्रिमंडल को और ऐसे मंत्रिमंडल में रहने वाली उन महिला शक्ति को जिन्होंने ये बात सुनकर के सिर्फ उसको हंसी में टाल दिया। एक तरफ तो प्रियंका गांधी दूसरे प्रदेशों में जाकर के कुछ और स्टेटमेंट देती है और यहाँ उनको 5 सालों में आकर के देखने की फुर्सत नहीं मिली है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि अशोक गहलोत आज एक बिल लेकर के आए हैं। राजस्थान में सबसे अधिक महंगाई है, बेरोजगारी सबसे अधिक राजस्थान में है। अशोक गहलोत एक बिल लेके आए हैं, उस बिल में पर यूनिट 1.5 रुपया बढ़ोतरी की बात कही गई है बिजली पर। राहत शिविर के नाम पर आप कहते हैं कि हमने राहत बांटने का काम किया है, राहत बांटने का काम किया तो भैया आप ये बिल क्यों लेके आए पर यूनिट 1.5 रुपया? ये जैसे ही बिल का गजट नोटिफिकेशन जारी होगा पर यूनिट 1.5 रुपया की बढ़ोतरी इसमें होने वाली है। किसानों के कर्जे माफ
को लेकर के एक बिल वो लेकर के आए, लेकिन उनमें राष्ट्रीयकृत बैंकों का ऋण कैसे माफ हो उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। ये सरकार 6,000 किसानों का जो कॉपरेटिव का ऋण था वो तक माफ नहीं कर पाई, और वो 6,000 से अब 12,000 बढ़कर के वो 12,000 हो गया, इसका दोषी कौन है। इसी तरह से नाथद्वारा टेंपल की बात उन्होंने की है, लेकिन नाथद्वारा टेंपल की जमीनों को बेचने के लिए किसी एक निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए वो इस तरह के बिल लेकर के आए हैं। तो इसलिए मैं आप सब, चूंकि देखिए मीडिया एक बहुत बड़ा सशक्त माध्यम है लोकतंत्र की रक्षा का और लोकतंत्र को कैसे बनाए रख सके, इसलिए मीडिया के बंधुओं को मेरा इतना ही निवेदन है कि ये बढ़त राहत की पूरी तरह से इस कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने सिर्फ और सिर्फ प्रचार और प्रसार के लिए रखा है। वो कंपनी को उन्होंने करोड़ों रुपया का टेंडर इसीलिए दिया, और उस कंपनी ने सिर्फ गहलोत का प्रचार प्रसार हो, कैसे गलत चीज़ों का प्रचार प्रसार हो उसकी बात कही है, लेकिन आम आदमी को वास्तव में रिलीफ मिलना चाहिए इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। और उसका जो उदाहरण है, जो ज्वलंत उदाहरण है, वो आज जो सरकार ने बिल पास किया है विद्युत को लेकर के, विद्युत के कर को लेकर के, वो हम सब के सामने। तो इतना ही कहते हुए मैं चाहूँगी कि आप ये बात जन जन तक पहुँचाएँ, ताकि जनता को भी ये मालूम रहे कि सरकार किस तरह से झूठ बोलती है और साफ झूठ बोलती है, क्योंकि जनता को स्वयं को ये मालूम तो हो ही गया कि किस तरह से कानून व्यवस्था है, कैसे अपराध बढ़ रहा है, लेकिन ये भी जनता को पता होगा। इतना ही कह के मैं अपनी बात को पूरा करती हूँ। धन्यवाद।